मेहमानों से गुफ्तगू करना और उनसे हमें सीखना है। इस लाइव सेक्शन में मैं पहली दफा फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ। इसमें जो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं, आई एम थैंकफुल टू हिम, राफे शेख साहब, वो हमारे साथ रहेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। आज मैं जो मौजू लेके आया हूँ वो है जी, इम्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन इन मैथमेटिक्स। मेरे आज के जो मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर रियाज अहमद। डॉक्टर रियाज अहमद जो है वो मैथमेटिक्स के जो है पीएचडी हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ दुबई यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। डॉक्टर रियाज साहब, जैसे उनका नाम रियाज है तो वो रियाजी के माहिर हैं और साथ ही साथ ही इज अ गुड पोएट, वो शायरी भी बहुत खूब करते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर रियाज अहमद साहब को प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक करीम सोमरा साहब, जो आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी, इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम ही रियाज अहमद है और मेरा सब्जेक्ट जो है मैं रियाजियात पढ़ाता हूँ, तो इस तरह का कोइंसिडेंस जो है बहुत कम है। ये अल्लाह का फजल है कि मेरे नाम से मेरा पेशा जो है जाहिर होता है। जहाँ तक डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमारा ये तरीका है प्रोग्राम की फॉर्मेट का कि थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपने कैसे फिर पीएचडी की, फिर टीचिंग फील्ड में कैसे आए। जरूर 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 बिल जरूर जी, मैं आसनसोल जो हिंदुस्तान के सूबा वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेरी पैदाइश जो है वहीं हुई। बुनियादी तौर पर हम लोग असल जो है वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वो पार्टीशन के वक्त में जो कुछ हुआ मामला उसके बाद हम लोग मगरी बंगाल में आकर सेटल हो गए। मेरी पैदाइश भी वहीं हुई, तो मेरी तालीम वगैरह सब जो है आसनसोल में ही एक रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल है, अभी भी वह है, और वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी पास की, या 1974 में मैंने पास की। फिर उसके बाद ये आसनसोल में ही एक कॉलेज है जो कहते हैं विधान चंद्र कॉलेज, वहाँ से मैंने मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया 1977 में। और फिर उसके बाद एक साल का गैप हो गया क्योंकि मैं उस वक्त जो हालात जो है घरेलू हालात उतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा पढ़ाई, और मैंने एक नौकरी गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन की जिसको बोलते हैं ट्रेड अप्रेंटिस, वो था इंडियन आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में बहसियत ट्रेड अप्रेंटिस मैंने मुलाजमत कर ली। वहाँ रहते हुए मैंने अपना बीएससी मुकम्मल किया, जो कि जब मैं दाखिल हुआ था उस वक्त मेरा इम्तहान नहीं हुआ था, तो फौरन जो इम्तहान होने के बाद मैंने वहाँ जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो लोग इंजीनियरिंग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, अलग से उनको इंजीनियरिंग करने की सहूलत है। अगर आप किसी इंजीनियरिंग फर्म से आप अटैच हैं तो उसको कहते हैं AMIE, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। सो मैं वहाँ जैसे ही मैंने नौकरी ज्वाइन की और उस अदारे से मैं अटैच हो गया, और जो है 6 मंथ में मैंने 4 पेपर्स उसके मैंने क्लियर कर लिए। और इसी दौरान मैं अल्लाह ताला का करम रहा कि मैं हमेशा आगे फॉरवर्ड देखता रहता था, उसी दौरान मैंने अप्लाई किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर एग्जाम होता था जो टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफिसर का, तो जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन था ऑनर्स का, तो मैं ऑलरेडी ऑनर्स कर चुका था। मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद मुझे इंटरव्यू में बुलाया गया सिलेक्शन के लिए फाइनल, जैसे कि सेक्रेटरी बिल्डिंग। मेरी बदनसीबी ये रही कि उसमें उस कमेटी में जिसमें तमाम टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफिसर जो थे डिफरेंट इन स्टील फैक्ट्रीज के, वो सब आए थे, जिसमें हमारा जो अपने बनपुर जो था उसका वो बेचारा वो था चेयरमैन। हमारे यहाँ कानून है कि ट्रेड अप्रेंटिस में अगर आप जो है नौकरी करते हैं आपको लिया जाता है तो आप बाउंड साइन करते हैं कि आप जो है कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते। मैं उस बाउंड के मुखालफत में बगैर साइन किए बगैर अप्रूव किए मैंने दरख्वास्त दी थी,
मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मतलब मैं अगर कामयाब हो जाऊं तो हो जाएगा, यही सवाल वहां मुझसे पूछा गया। तो मैं, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सर मैं डिजर्व करता हूँ, आपने मैं रिटर्न पास किया डिजर्व करता हूँ, आप मेरी जगह आपकी औलाद होती तो आप क्या करते। तो वो जो बोले नहीं तुम्हें यू मस्ट हैव सीक परमिशन फ्रॉम मी, हाउ डिड यू डेयर टू कम एंड एंटर दिस एग्जाम्स ऑल दैट। तो अदर मेंबर्स जो है ना उन्होंने कहा कि आप छोड़िए आप इंटरव्यू लीजिए। अल्लाह का फजल था कि इंटरव्यू बहुत कामयाब हुआ और उन लोगों ने ऐसा हिंट दिया कि मेरा हो गया। लेकिन थोड़े से कुछ मामला ऐसे रहे कि वो बेचारा हमारा जो टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफिसर था वो उसने पर्सनली ले ली उस बात को और जो है उसने मेरा जीना हराम कर दिया। तो मुझे मजबूरन जो है वहां से भागना पड़ा। मैं क्या करता, मेरे तमाम दोस्त, मैं आउट ऑफ 50 मैं अकेला अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान था, मेरे सारे बेचारे नॉन मुसलमान फ्रेंड ने मेरा सपोर्ट किया, उन लोगों ने पूरा हड़ताल तक किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नतीजे के तौर पर नाउमीद होकर के, ये एक बहुत अच्छी नौकरी थी ये टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफिसर की, मुझे पता चल गया कि मैं रह करके मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा। मैं मेरा दिमाग वहां से उब गया, मैं छोड़ दिया उस नौकरी को और उसी दौरान जो है मैंने फिर मास्टर डिग्री के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन निकला हुआ था और एक स्कूल में मैंने जा करके ऑनररी ज्वाइन कर लिया और जो है इसको छोड़ दिया। हालांकि ये नौकरी छोड़ना बहुत डेयरिंग बात थी, नौकरी हिंदुस्तान में मिलना बहुत मुश्किल थी, लेकिन उस वक्त मेरा जुनून था, मैं ये समझता था कि मैं कर लूंगा। तो अल्लाह ताला के फजल से जो है मैं इधर मास्टर डिग्री में इधर मैंने अप्लाई किया, अप्लीकेशन हो गया और इत्तफाक से मैंने रेलवे में भी रिटन एग्जाम दिया हुआ था, रेलवे में मेरी नौकरी हो गई। अब ये दोनों मुझे मुश्किल हो गए एक साथ चलना। एक साल बीत गया, एक साल ड्रॉप हो गया हमारा। तो उस वक्त जो है मुझे फैसला करना था कि मैं अपनी नौकरी रखूं या मास्टर डिग्री पढ़ूं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब अल्लाह ताला आपको नवाजना होता है तो अच्छे लोगों से मिला देता है। तो मेरा जो है स्टेशन मास्टर जहां मेरी पोस्टिंग थी उससे मैंने डायरेक्ट गुफ्तगू की, तो उसने देखा कि मुसलमान बच्चा पढ़ना चाहता है, उसने आउट ऑफ वे मेरी मदद की, मेरी पोस्टिंग जो है रात में ड्यूटी कर दी ताकि मैं दिन को जाकर के कॉलेज अटेंड करूं। ये अपने नौयत का पहला था और ये सब अल्लाह के फजल से हुआ। इसी तरह मैंने मास्टर डिग्री वहां रहते हुए रेलवे में नौकरी करते हुए दिन को कॉलेज जाता था, रात को नौकरी करते था, इसी तरह से बाहर रहता था घर से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास से मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की। यूं ही मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की, मेरे कलीग जो थे वो मुझे ताना देने लगे, क्या तुम मास्टर डिग्री इतना अच्छा सलाहियत होने के बावजूद तुम यहाँ क्लरिकल नौकरी पढ़े रहोगे, जाओ तुम सिविल सर्विस में जाओ। अब ये लोग इतना मेरा जीना दोबर कर दिया। तो मुझे, मैं क्या किया, चूंकि जहां मैं रहता था वो छोटा इलाका था, वहां रह के मैं सिविल सर्विस पास नहीं कर सकता। तो मैंने फैसला किया कि जो कलकत्ता जो है बड़ा शहर है वहां जाकर के कुछ करेंगे। तो वहां जो है मेरे एक दोस्त ने एक वहां के हाई स्कूल में मेरे मुझे बताए बगैर एक एप्लीकेशन दे दिया और वो लोग मुझे घर से बुला करके इंटरव्यू के लिए ले गए। अब देखिए, तो मैं जा करके वहां जो है मैं कमिटमेंट कर लिया, वहां मैं सेंट्रल जॉब छोड़ के मैं जाकर के सेमी गवर्नमेंट में स्कूल में जाकर के मैं टीचर बन गया और वहां रह करके फिर मैंने तैयारी की सिविल सर्विस की। उसमें एक साल का वक्फा लग गया और उसमें जब फिर मैं कामयाब हुआ, मैं सिविल सर्वेंट जो है करीब एक साल, पहले साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में जब मैं तैयारी कर रहा था उसके दरमियान मैंने सेंट जेवियर कॉलेज से बीएड कर ली, वो भी बीएड कर ली इसी दौरान में। अब बीएड जैसे कंप्लीट हुआ उसी दौरान मुझे जो फिर वहाँ सिविल सर्विस में नौकरी हो गई। मेरे स्कूल के लोग बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया कि जाओ तुम उस नौकरी में चले जाओ, अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर वापस आ जाना। वो सर्विस में ज्वाइन जॉब थी, एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। खानदान में ऐसे लोग खानदान में खुशियां मनाते हैं कि मेरा जो है एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर बना। लेकिन मेरा जहन जो है दीनदारी तरफ मायल था। वहाँ उस डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, सवाए रिश्वतखोरी के कुछ होता नहीं। मैं बहुत बहुत घुटन महसूस किया जब ट्रेनिंग के दौरान ये आप सोचिए, जब मैं जहाँ कैंप लगा था अलीपुरद्वार, मैं बाहर निकलता था रोड पर तो लोग सड़क पर खड़े हो जाते थे, इतनी इज्जत होती थी वहाँ सिविल सर्वेंट लोगों की। लेकिन जब मैं पोस्टिंग पर गया तो वहाँ हालात इतने बुरे कि बगैर रिश्वत के कुछ होगा नहीं। मैं विद इन 6 मंथ वो नौकरी में मुझे पसंद नहीं आई, मैं सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर मैं वापस अपने स्कूल में चला आया। मुझे वहीं से सबक मिला
कि ईमानदारी का पैसा अगर कमाना है आपको तो ये टीचिंग ही मेरे लिए है। और फिर उसी दरमियान में जो है मैंने एक पार्ट टाइम हमारे यहाँ पहला टीचर ट्रेनिंग स्कूल खुला था उर्दू मीडियम का, तो वहां मैं पार्ट टाइम लेक्चरर बन गया और यहाँ भी पढ़ाता रहा। और इसी दरमियान में जो है वहां मेरा एक दोस्त जो है उसकी पोस्टिंग हो गई उसमें, जबकि मेरा होना था, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल में कुछ ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से उसको ले लिया, मुझे मुझे प्रेफरेंस नहीं मिला, तो मैं वहां से भी बदजन हो गया। इसी दरमियान में अबू धाबी से मुझे एक कॉल आ गया, अबू धाबी इस्लामिया इंग्लिश स्कूल से, तो मैं जाकर के दिल्ली में मेरा इंटरव्यू हुआ। 3 दिन तक उन लोगों ने इंटरव्यू लिया, क्लास डेमोंस्ट्रेशन लिया, लेसन प्लानिंग करवाया, उसके बाद उन लोगों ने सिलेक्शन कर लिया इस्लामिया इंग्लिश स्कूल वाले अबू धाबी में, अबू धाबी वालों ने। अब ये जो है जब सिलेक्शन कर लिया तो मेरा जो है मास्टर मेरा दोस्त था उसने कहा कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे नसीब में जो है नहीं। बस वही 1991 में मैं अबू धाबी इंग्लिश इस्लामिक इंग्लिश स्कूल में आया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी जो है मैं बहुत अच्छा, लेकिन इतना कंट्रोल वे में यहाँ पर रहना पड़ता था तो वो चीज मुझे पसंद नहीं आई। वो 2 साल के बाद फिर मैंने यहाँ से रिजाइन दिया, वापस जाऊंगा, मुझे हेडमास्टर शिप की पोजीशन मिल रही थी कलकत्ता में, तो मैं सोचा कि छोड़ो हटाओ यहाँ से जाके हेडमास्टर बन जाऊंगा। वहां से छोड़ के मैं आया, हेडमास्टर के लिए सिलेक्शन हो गया, लेकिन क्या हुआ कि कमेटी आपस में लड़ गई, कमेटी के मेंबरान आपस में लड़ गए, नतीजे के तौर पर किसी ने केस कर दिया और वो पोस्टिंग जो है स्टॉप हो गई। तब इन द मीन टाइम मैंने वहां से ऑनलाइन में इंटरव्यू दे करके आया था, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन एक दो जगह मेरी इज्जत के लिए इंटरव्यू दे के जाओ। तो मैं अलनहदा स्कूल में और ऑनलाइन में मेरिट प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू दे के गया था, तो इन लोगों ने मुझे वहां से कॉल करना शुरू कर दिया। अब जो है रोज कॉल करे, मेरे हेडमास्टर को कॉल आए, हेडमास्टर ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो सीधा जाओ। फिर मैं दोबारा 93 में अलाइन में आया और बहसियत हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ओ लेवल ए लेवल के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। और फिर अल्लाह का करम हुआ कि जो जो पैसे जो मुझे हरामखोरी से मिलने थे, यहाँ इतना नाम कमाया, ट्यूशन वगैरह इस कदर जबरदस्त यहाँ मार्केट मिला मुझे कि अल्लाह ने बहुत बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी। उसी के इस करीब 8 साल मैंने नौकरी की। 2006 में फिर अलाइन यूनिवर्सिटी कायम हुआ, उस वक्त उन लोगों को मैथमेटिक्स के जरूरत थी, इन द मीन टाइम मैंने पीएचडी कर रखी थी, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया और अलाइन यूनिवर्सिटी में 2006 में मुझे रख लिया। हालांकि शुरू में उन लोगों ने मुझे क्वालिटी डिपार्टमेंट में बहुत आला उदे पर रखा था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था, मैं टीचिंग पसंद था। फिर बाद में मुझे उन लोगों ने टीचिंग में असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रख लिया। आप उसके बाद 2008 में गालिबन आप खुद 2008 में शायद आए हमारे यहाँ, 2009 में मैं 2006 में वहां था। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि वहां कितनी इज्जत थी, बल्कि शुरू में जो है बच्चे अलाइन यूनिवर्सिटी में मैथ में दाखिला नहीं रजिस्टर नहीं करते थे, लेकिन जब मैं गया तो वहां सबसे पहले मेरा कोर्स फिलअप होने लगा और अल्लाह ने इज्जत दी। और फिर वहां जो है मैंने कहा चलता गया, फिर ये कारवां चलते गई। 2017 तक मैं वहां रहा और फिर जो है एक करवट बदली जो तकदीर ने, वो वहां से मैं फारिग हो गया। फिर एक साल में मुख्तलिफ जाबिस में, फिर जो है एमरेस्ट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, मणिपाल यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे हमदान बिन मोहम्मद में पार्ट टाइम में करने लगा। और इन मीन टाइम हमें फिर अमेरिकन कॉलेज ऑफ दुबई में 2018 में फिर मुझे बहसियत एसोसिएट प्रोफेसर मेरे हमारे और ये जो आपने जर्नी दिखाई है कि नाजरीन जो है ये सबक सीखें कि कैसे अपना जो भी फेट होता है बंदा वो घूम फिर कर उसी फेट पे पहुंचता है। डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सवालों की तरफ चलते हैं। अब मसला ये कि टेक्नोलॉजी तो फायदेमंद है, टेक्नोलॉजी देखें आजकल कोविड में ड्रोन बन गए, ड्रोन ने सप्लाई शुरू कर दी, मेडिसिन की सप्लाई जो एसेंशियल स्टफ है उसकी सप्लाई ड्रोन कर रहा है, टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपको याद होगा कि हम तो अपने वालिद के दोस्तों के टेलीफोन नंबर भी हमें याद होते थे, हमें अब मुझे तो याद है कि मैं 9th का जो मेरा नंबर था एग्जाम का बोर्ड का वो भी याद था। अब ये हम चीजें हम भी खुद ही भूलते जा रहे हैं, हमें भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है कि मैं डॉक्टर रियाज का नंबर तो ढूंढूं तो मुझे मोबाइल पे देखना पड़ रहा है। तो आजकल के बच्चों का क्या हाल हो गया, मेमोरी कहाँ चली गई, ये टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया डॉक्टर साहब?
देखिए, हर हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमें हमारे साथ मसला क्या है आज के दौर का कि कंप्यूटर की इजाद के बाद रिसर्च में डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगा है। आपको हमको याद होगा कि एक मोबाइल 1996 में मोबाइल हो गया है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट साइंस की तरक्की और टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से इतना फास्ट पेस में तरक्की हो रही है कि हर कोई जो है ना पीछे हो जा रहा है। अब मेकअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बात जरूरी है कि कुछ चीजों की जो बुनियादी उसूल जो है इतनी तेजी से बदलनी नहीं चाहिए। जैसा कि टीचिंग का जो प्रोसेस है, ये जो है एक अजीब नोयत का प्रोसेस है। टीचिंग जो है हमारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट मुसलमानों के यहाँ क्या है, टीचिंग है एक नायब रसूल जॉब है। खुद अपने आप को वैसे टीचर अपने आप को बताते कि मैं उस्ताद हूँ। आप अंदाजा लगाइए कि टीचिंग जॉब जो है दूसरे जॉब की तरह नहीं है कि मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ तो आप जो है टेक्निकल ऑफिसर है और मैं टीचर हूँ। दोनों की नोयत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी एक है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है हुआ क्या है कि हम लोगों ने भी अपने आप को उसी तरह महसूस करने लगे। तो टीचर हजरात के साथ मसला क्या हुआ कि जब इनकी नौकरी लग गई, हर जगह आप देखेंगे कि जब मैं अभी मैंने वह तस्करा किया आपको, सिविल सर्विस में जो पैसे मिलते थे स्कूल टीचर को जो तनख्वाह मिलती थी वो दोनों पैरेलल थी। हमारे यहाँ 1981 में जो स्केल डिवीजन हुआ तो गैजेटेड ऑफिसर के मुताबिक स्कूल टीचर को तनख्वाहें मिलती थी। तो लोगों ने तनख्वाहें तो बढ़ा ली लेकिन अपने आप को अपडेट करना शुरू नहीं किया। सबसे बड़ा मसला यह है कि बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट हमारे पास गलत है। मैं आपको एक बढ़िया मसला देता हूँ। देखिए, हम अपनी तीन सांस यानी सांस, जैसे मैंने आपको अभी एक बात कही, एक सांस ली, दूसरा सांस, तीसरा सांस, 3 consecutive सांसों में हम माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों में जीते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि हम आकर के अपनी नौकरी मिल गई, इत्मीनान हो गए, स्टेबल हो गए, अब जब नौकरी लग गई तो अपने आप को अपडेट करना भूल गए। पहले हुआ करता था टीचिंग का के जो है टीचर बेस्ड टीचिंग होती थी, फिर जो है स्टूडेंट बेस्ड हो गया, फिर लाइफ स्टूडेंट्स लाइफ बेस्ड हुआ। अभी क्या हो गया है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अभी जो मेथड है लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप ही बताइए कि जब जो है दुनिया इतनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है तो अगर आप उसमें जो है शामिल नहीं होंगे, दौड़ में मेकअप नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप रह जाएगा। तो एक टेक्नोलॉजी को फॉलो करना तो जरूरी है, इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप जो है चीनी को जब चाय में डालते हैं तो चीनी आपको नजर नहीं आती, उसके फवायद आपको मिलते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर तरी आपको ऐसा एम्बेडमेंट करना पड़ेगा कि आप जो चाहते हैं वो इस चाय के शक्ल में शामिल हो। चीनी को अलग मत कीजिए, चाय पूरा बना करके एक साथ पीजिए। हमें इसको हासिल करना होगा। लेकिन ये पहला जमाना हुआ करता था कि मैं ग्रोसरी शॉप भी चलाया करता था, तो मुझे याद है जब मैं पहाड़े याद होते थे, वही बता रहा हूँ मैं, टेबल याद होती थी, अब वो भी नहीं, वही बता रहा हूँ मैं कि जब मैं मोदी ग्रोसरी शॉप चलाता था तो 50 आदमी बैठे हैं तो मैं तौलता था, वजन करता था, जैसे खत्म हुआ 15 रुपये 50 पैसे जुबानी में ऐड करके बताता था। आज के बच्चे को आप जिसी दुकान में जाइए आपको ये उस दौर में थी। आज के दौर का जो चलन ये हो गया कि अगर जो है चूंकि हमें वो आप देखें ना, जो चीज आप खाएंगे नहीं वो उसको कैसे करेंगे। तो हमारी स्कूल में जो ये चीजें जो है ग्रेड 7 में कंप्यूटर जो है
सॉरी कल कैलकुलेटर अलाउड हो गया ग्रेड सेवन में। अब बच्चों के अंदर वो मेहनत करने का जज्बा नहीं रहा कि वो इतना मल्टीप्लाई करे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज 625, 25 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 500, ऐसा उनको ट्रेनिंग दिया ही नहीं गया। अब बच्चा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कैलकुलेटर से यूज करता है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कैसे कैसे हासिल हो रहा है। जैसे कोई डॉक्टर हमें जो इंजेक्शन देता है, इंजेक्शन देता है तो हमें कुछ नहीं पता चलता है कि डॉक्टर का ये इंजेक्शन जो है जा करके क्या असर कर रहा है। हम खाली उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि भाई ये हो गया, हमें कुछ नहीं पता चलता। इसी तरह कैलकुलेटर का मामला देखते हैं, थोड़ा अगर देखते हैं हम हिस्ट्री में जाते हैं तो जब पहिया बना तो कहते हैं कि जी बड़ी तरक्की हुई, उसके बाद काफी अरसे तक, उसके बाद जो बिग चेंज आई वो कंप्यूटर से आई। अच्छा उसके बाद भी कुछ ना मसला नहीं हुआ। जब ये मोबाइल सेट बन गया, अब मोबाइल पे सारी चीजें आपके हाथ में आ गई, तब से ये हमारे मसले बढ़ते जा रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि जो मेंटल मैथमेटिक्स है, अब मेंटल मैथमेटिक्स में कहता हूँ जी 200 का 25%, अब 200 का 25% बच्चा जो है, हम तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यूज करते हैं अपनी मेंटल मैथमेटिक्स। तो ये मैंने आपने कहा कि जो आपने 5 + 15 + 17 + 25 तो हम अपने दिमाग में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन आज के बच्चे ने मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स का एक और भी साइंटिस्ट कहते हैं कि मैथमेटिक्स ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए। अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू में पढ़नी चाहिए, सिंधी स्पीकिंग है तो सिंधी में पढ़नी चाहिए, हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी में पढ़नी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका आपके जो जो नेटिव लैंग्वेज है और आपका जो दिमाग है मैथमेटिक्स का वो अलाइन हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आपने दो बात की। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे जो है कैलकुलेशन में और मेंटल मैथमेटिक्स से बहुत वीक है, ये तो जरूरी है ना। आप देखें कि जब आपको प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, आपको या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको सिखाया नहीं जाएगा तो आप कहाँ से सीखेंगे। मसला ये हो गया है कि आजकल बच्चे सवाल करते हैं और ऐसा माहौल बना दिया गया है। जैसे मुझसे किसी बच्चे ने सवाल किया, सर मुझे कैलकुलस क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका हम जाकर के भी नौकरी करेंगे, खाली डेटा एंट्री करेंगे, कैलकुलस के क्या फायदा होगा। बच्चे जब मैं नौकरी करूंगा, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, जब मैं नौकरी करूंगा तो मुझे एक्यूरेसी चाहिए, जुबानी में हो सकता है गलती हो जाए। बल्कि वो एक ये भी देते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट जो अपने तजुर्बे करता है तो अपनी मेमोरी पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके करता है। बोले जब साइंटिस्ट लोग जो है कैलकुलेटर से इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे मजबूर क्यों करते हैं जुबानी याद करने के लिए। जुबानी याद करने का जमाना चला गया, अब मुझे सब कुछ हाथ में हासिल है, मैं सीधा जो है करूंगा और देख लूंगा। लेकिन उनको एक बात समझ में यहाँ नहीं चाहिए, ये बात उनकी सही है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जुबानी याद करने से मेंटल मैथमेटिक्स से आपको क्या फायदे होते थे, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। मसलन जब आप मेंटल किसी चीज को कैलकुलेट करने के आदि होते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बढ़ जाता है। आप डिसीजन मेकिंग पावर, जैसे मिसाल के तौर पर आपका 15 रुपए है और आप ये सोच रहे हैं कि भाई जो है ये फला चीज का एक 12 रुपए दर्जन है तो मुझे कितना लेना चाहिए, तो आप अगर मेंटल मैथमेटिक्स से 1 सेकंड में आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कैलकुलेटर में है तो आप जो है उसका टाइम लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में ये जो मेंटल एबिलिटी बहुत हेल्प करती है। आप कुछ भी कर लें, कितना भी टेक्नोलॉजी की मदद ले लें, लेकिन मेंटल एबिलिटी, वो जो स्पॉन्टेनियस जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो मेंटल एबिलिटी से ही होती है। आपको जो फैसले ऐसे करने होते हैं, स्पॉन्टेनियस करने होते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस बहुत मशहूर, आपको जानते होंगे, फ्रीडम फाइटर थे। जब वो उस जमाने में अंग्रेजों ने उनका इंटरव्यू दिया आईएएस के लिए, तो उनसे सवाल किया कि सुभाष चंद्र बोस यू लुक लाइक ए मंकी। अब आप बताइए कि उसको इसके सवाल हुआ, अब उसको स्पॉन्टेनियस जवाब देना है। अब उसने क्या जवाब दिया स्पॉन्टेनियसली, सर मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई एम जस्ट योर मिरर इमेज। आप देखिए उसने क्या काम किया, उसकी मेंटल एबिलिटी जो ट्रेंड हो चुकी थी पहली किसी चीज का स्पॉन्टेनियस जवाब देने में, सोचने में, और जो है इसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो मेंटल
एबिलिटी जो होती है आपको ऐसे हालात में बहुत मदद करती है। आप स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं। आप किसी भी कोई मैनेजर को देखिए, आप मैनेजर जो है डिसीजन मेकिंग के लिए उसके पास बहुत कम वक्त होते हैं, तो अगर उसके मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल एबिलिटी, मेंटल ऑब्जर्वेशन ये सारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो डिसीजन लेने के काबिल नहीं होगा। दूसरे लोग जो है उसको सुपरसीड कर जाएंगे। सो जहां तक मेंटल एबिलिटी का ताल्लुक है, ये तो वीक हो ही रहा है। लोग जो है आप जो उसको भी नहीं करते, सीधा जो है सॉफ्टवेयर लेते हैं, उस पर डालते हैं, उसके बाद उससे नतीजा लेते हैं। लेकिन अभी जो है मैंने एक पढ़ा, आज ही पढ़ा कि मैथमेटिक नॉलेज के हवाले से किसी ने टेस्ट की और उसने टी टेस्ट कर दी अनइक्वल डेटा में। अब उसने तो दिखा दिया कि भाई टी टेस्ट मैंने की और उसका नतीजा ये निकला, जबकि जो आपको उसके जो रिक्वायरमेंट है कि उसका वेरिएंट सेम होना चाहिए, फिर टी टेस्ट करेंगे, वो सारी चीजों का उसने इस्तेमाल नहीं किया। तो आप देख लीजिए उसमें कि अगर उसका कॉन्सेप्ट अगर मेंटल एबिलिटी का सही नहीं रहेगी तो सॉफ्टवेयर यूज करेगा लेकिन रॉन्गली यूज करेगा, जो मोर डिजास्ट्रस होगा। इसलिए जहां तक मेंटल एबिलिटी का ताल्लुक है, इसका जो है इसका नर्चरिंग जरूर होना चाहिए। हम तो रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को फर्स्ट 5 ईयर्स ग्रेड 7-8 तक सिर्फ 3 चीज अभी भी पढ़ानी चाहिए। वो इसका लैंग्वेज मदर टंग, जैसे आपने मैं उस पर आ रहा हूँ, उसका मदर टंग पढ़ानी चाहिए। उसके बाद जो है उसको जनरल नॉलेज के तौर पर बाकी साइंस की चीजें पढ़ानी चाहिए और मैथमेटिक्स पढ़ानी चाहिए ग्रेड 8 तक। अब रहा आपने जो कहा कि मदर टंग, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मदर टंग से अगर फायदा नहीं होता तो चाइनीज जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ते, वो इतना ज्यादा तेज कैसे हुए। रशियन लोगों ने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, बल्कि बहुत सारे मुल्क ऐसा है जहां जो है लोग अंग्रेजी से नहीं पढ़ते। हम लोग जहां कॉलोनियल रूल जहां हुआ है, हम लोग जो है अंग्रेजी के गुलामी करते रहे हैं। हमें ये फख्र होता है कि हम अंग्रेजी में हर चीज को पढ़े और बोले, और इसीलिए हमने चूंकि उसके प्रेफरेंस भी मिलते हैं, प्रेफरेंस भी मिलने लगे। हमारे जो कॉलोनियल रूल के जो कंट्रीज है वहाँ अंग्रेजी जानने वालों को फकत मिलती है, किताबें आपको उर्दू में नहीं मिलती। आप एक भी मैथमेटिक्स की अच्छी किताब जो है आप अपने मुल्क में दिखा लें, हमारे यहाँ तो नहीं है एक भी किताब उर्दू के, कोई किसी जुबान के किसी सब्जेक्ट की अच्छी नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर आप उसी वक्त किसी चीज की तरफ जाएंगे जब आप पूरी तैयारी करेंगे। हमारे साथ क्या होता है, बल्कि हम मुसलमानों के साथ क्या होता है कि हम देखते देखते दूसरों का फैसला कर लेते हैं लेकिन घर की तैयारी नहीं करते। वो जो अल्लाह भरोसा वाला ना जी, तो अभी एक सवाल ये होता है कि आप ये समझते हैं कि इसमें उस्ताद का कसूर है, टीचर का कसूर है कि टीचर अब मेंटल मैथमेटिक्स के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। अब वो जो पुराने जमाने में बच्चों को प्राइमरी में पहाड़े याद कराए जाते थे जिसको आप अंग्रेजी में टेबल्स कहते हैं, तो वो अब उस पर तवज्जो नहीं है। आप कहते हैं कि इसमें उस्ताद का थोड़ा सा कसूर है। बिल्कुल सही है। आप देखिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इनके 3 पिलर है किसी एजुकेशनल अदारा का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टीचर, तीसरा स्टूडेंट। लेकिन आप देखें हर जगह इन्वॉल्वमेंट और जवाबदेही टीचर की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ भी कमी हो, आप स्कूल में क्लास में गए हैं, एसी नहीं चल रहा है, आप जो है आपको एडजस्ट करके बच्चों को पढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज की जो आएगी वो टीचर पर ही आएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसको जोड़ता हूं इस तरह से, हमारे यहां इस्लाम में रिस्क अगर हलाल हो, रिस्क हलाल नहीं हुआ तो आपकी सारी इबादतें खत्म हो जाती है। और फिर मैंने आपको अभी कहा कि ये जो है टीचिंग जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है नबियों का परमिट। आप जब इसमें दाखिल होते हैं तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि ये बच्चे जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये कौन से बच्चे हैं, ये कौम के मुस्तकबिल हैं, ये कौम के मुस्तकबिल हैं। मतलब इनको पढ़ाना मतलब कौम को बनाना। तो टीचर एक्चुअली क्या है, मेमार कौम है। अब अगर जो है आप जो है आपने अगर टीचर से मैंने एक एनालॉजी बनाई है,
एक एनालॉजी बनाई है उसका मैं बताता हूँ आपको। तीन हरूफ हैं एन मीम, पढ़िए इल्म हो गया, ठीक है ना, पहला इल्म हो गया। अब जो है इसी को पलट दीजिए एन मीम लाम, तो क्या हो गया, अमल हो गया। तो आपने इल्म हासिल की, फिर पलट करके आपके तरफ आ गया, आपको क्या करना है, अमल करना है। आप जब अमल करेंगे तो क्या होगा, आप जब अमल करेंगे तो आप पर अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का फजल होगा। आ अलिफ, अल्लाह के फजल से आप आलिम बन जाएंगे, क्या बनेंगे, आप आलिम बन जाएंगे। एन अलिफ लाम मीम, अल्लाह का फजल हो गया। अब यहीं पर से देखिए शुरू हो, आलिम बिगड़ा आलम बिगड़ा, आलिम बिगड़ा तो आलम बिगड़ा, हाँ। अब आलिम सुधरा तो आलम सुधरा। अब अगर आलिम सही रहेगा, आलिम सही रहेगा तो क्या होगा, अब आइए फिर वही तीन हरूफ पर, आपका अलम एलम मी अलम बुलंद हो जाएगा, आपका झंडा बुलंद होगा। तो एक ये जो है, ये जो मैंने आपको बताई, इसमें टीचर का ही मेन है। टीचर अगर अपना अपनी जिम्मेदारी सही निभाए, प्रोग्राम के वक्त के मुताबिक हम चलते हैं। हम आखिरी सवाल में आपसे कहूंगा कि आप एक यानी सवाल भी है और मैसेज भी है नौजवानों के लिए। देखिए टेक्नोलॉजी यूज तो करनी है, ऐसा तो नहीं कि हम कहें कि ये टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते। जैसे आपको याद होगा कि जब रेडियो बना तो फतवा आ गए, टीवी पे फतवा आ गए, कंप्यूटर पे फतवा आ गए, मोबाइल पे फतवा आ गए, लेकिन अभी यूज भी हो रहा है। तो हम इस टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी आती रहेगी, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, हमें वो सीखनी भी है। लेकिन हमें अपनी जो मेंटल मैथमेटिक्स है, अपने जो जरूरी इल्म है, वो भी साथ साथ जारी रखना है। तो मैं चाहूंगा इसी सवाल को लेते हुए एक पैगाम भी दें नौजवानों को कि टेक्नोलॉजी यूज करें लेकिन अपने साथ साथ जो है मैथमेटिकल जो इल्म है उसको भी, क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे साइंटिस्ट कहते हैं द की ऑफ साइंसेस, ठीक है, मैथ के बगैर। और आपसे जब पिछली दफा बात हो रही थी आपने फरमाया था कि जी मैथमेटिक्स जो है वो नेचर की लैंग्वेज है, तो मैथमेटिक्स से हम नाता नहीं जो है तोड़ सकते। इस पे थोड़ा सा मुख्तसर एक थोड़ा पैगाम की सूरत में नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं आपको एक सवाल करता हूँ, कोई एक चीज आप भूलिए, किसी भी चीज का फहम मैथमेटिकल सेंस नहीं रहेगी तो आप नहीं समझ सके किसी भी चीज को, किसी चीज को, यानी फहम जो जिसका मेंटल से ताल्लुक है वो ट्यून्ड है मैथमेटिकल अप्रोच से। कोई भी चीज को समझने के लिए आप मैथमेटिकल एबिलिटी जो इननेट है, अल्लाह ने आपको दिया हुआ इनबिल्ट है, ये हर के पास है। कोई ये ना समझे कि हमारे अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं है, हर के पास है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक 2 साल का बच्चा जो क्रॉल कर रहा है और एक 5 साल का उसका भाई है, दोनों के सामने खड़ा करके उसको जो है आप बड़े को ज्यादा चॉकलेट दें और छोटा को कम चॉकलेट दें, आप करके देखें, वो छोटा वाला बच्चा नाराज हो जाएगा। आप हमें बताएं ये सेंस ऑफ क्वांटिटी उसको किसने दी, ये अल्लाह ने दिया। कितने लोग हैं जो स्कूल कभी नहीं जाते, जाहिल है बिल्कुल, चेक पर वो थंब इंप्रेशन लगा करके साइन करते हैं और उनके कारखाने में लाखों लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर काम करते हैं, उनको इतना बड़ा एम्पायर चलाने की सलाहियत किसने दी, ये इनबिल्ट है, ये सारी चीजें इनबिल्ट है। आप इसको जो है आप देखें ना, अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाने का इरादा किया तो सबसे पहले जन्नत और जहन्नम बनाया, सब फरिश्तों को भेजा। अब ये जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कब आप जाएंगे, हिसाब होगा। अब सोचिए आप हिसाब कब था, अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले ही ये हिसाब का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी वक्त से हिसाब है। हिसाब जो है कोई नई चीज नहीं है, उस वक्त से है। जन्नत में कौन जाएगा, जिसका पलड़ा भारी होगा, ये ज्यादा और कम का कॉन्सेप्ट। फिर आप देखें मैं एक सिंपल सवाल है, जैसे जब कुछ नहीं था, when there was none, there was one, आप इसको कौन इनकार कर सकता, जब कुछ नहीं था तो एक अल्लाह था। अब आप बताएं कि ये जो एक का कॉन्सेप्ट है, ये उस वक्त से है जब से अल्लाह मौजूद है। तो मैथमेटिक्स तो कोई नई चीज है नहीं, ये तो बहुत पुरानी चीज है, जब दुनिया कायम नहीं हुई तब से मैथमेटिक्स है। फिर आप इतना ही सोचिए ना, हम मुसलमान है, हमारा अकीदा है
कि मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये हिसाब क्यामत में हिसाब होगा। आप जो है पूरी दुनिया आपके हिसाब, आपका एज, आपका मोबाइल नंबर, आपका घर नंबर, आपका बैंक अकाउंट, आपका रोल नंबर, यानी आपका आईडी कार्ड, आपका आप हर चीज आपका मैथमेटिकली डिजाइन हो गया। आप जाने जाते हैं कि रियाज अहमद 5'4" वाले स्लिम स्लिम मोटे पतले, आपको बहुत सारे रियाज है, लेकिन आप जाने जाएंगे साइज से, मकदार से, ऐसे है ना। मैथमेटिक्स को तो आप, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा एक पागल आदमी है उसको आप मैथमेटिकली कैसे समझाओगे। मैं आपकी बात पर आऊँ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि चूंकि हमारे जैसे माहौल के इसलिए मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, दूसरे जगह में ये बातें नहीं बोल सकता मैं। तो किसी ने कहा कि भाई आप एक पागल को आप कैसे मैथमेटिक्स समझाओगे। मैंने कहा बिल्कुल, जैसे आपका दिमाग अगर मरकज पर है तो आप आपका दिमाग अगर मरकज पर नहीं है तो आप पागल हैं। तो ये मरकज कॉन्सेप्ट कहां से है? अरे भाई आप जो है ज्योमेट्री को हटा दीजिए, आप क्या अपना अल्फाबेट लिख सकेंगे? आप नून जो बोलते हैं दायरा बनाओ, अरे भाई ये नुक्ता से ही पूरी चीज बनी है, नुक्ते से लाइन बनता है, लाइन से प्लेन बनता है, प्लेन से फिर डायमेंशन बनते हैं, फिर बनता रहता। आपको मालूम होना चाहिए कि नुक्ते का डेफिनेशन बिल्कुल वेग है, सारी दुनिया मानती है। नुक्ता कहते हैं मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब मेरे भाई फिर साइंटिस्ट डिफाइन करते हैं कि नुक्ता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अब जब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को आप मुख्तलिफ पॉइंट को आप जोड़ते हैं तो लाइन बनता है, तो जब इसका डायरेक्शन नहीं है तो लंबाई कैसे हो जाती है, समझ लेना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि इसका पोजीशन है, इसका डायमेंशन नहीं है। और यही चीज है अल्लाह के बारे में। लोग बोलते हैं अल्लाह को देखो, अल्लाह का कोई डायमेंशन नहीं है, अल्लाह मौजूद है, जिस तरह से पॉइंट मौजूद है, आप पॉइंट जो करता है, पॉइंट जो बनाता है, उससे पॉइंट को देखिए। मसलन आप जो पॉइंट को देखना है, पॉइंट को देखना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पॉइंट ऐसे नहीं दिखा सकते आप। इसको जो आप मोड़ दें, देखिए ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, दो लाइन जहां पर मिलते हैं उसको नुक्ता कहते हैं, ये डेफिनेशन, दो लाइन मिलते हैं। अब लाइन किसने बनाया, पॉइंट बनाया, तो पॉइंट ने जो काम किया उसके काम के हैसियत से नुक्ता को पहचानिए। अल्लाह के काम को देखिए तब अल्लाह को पहचानिए। ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड था मेरे बात के। अब मैं बता रहा हूँ मैसेज, देखिए टेक्नोलॉजी को आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे साथ मसला दूसरे तरह का है सब, हमारे साथ दूसरे तरह का मसला क्या है कि ये अभी जो चल रहा है ये ग्लोबल डेवलपमेंट है, ये ग्लोबल डेवलपमेंट है, जहां हर किसी को ये सोच लिया जा रहा है कि सबके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो जदीद तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह हासिल कर सकेंगे, दस्तयाब होगा। लेकिन आप अपने मुल्क में देखें, हमारे मुल्क में देखें, कितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां ये सारी सहूलियात का होना बहुत मुश्किल है। आप ये कनेक्शन को ही देख लीजिए ना, कनेक्शन को देख, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो इंटरनेट का कनेक्शन ही कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इतने बड़े शहर में आकर के कभी कभी आप जो है बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यही हालत जो है दूसरे जगह में क्या मुश्किल हो। मसला क्या है, हमको इससे इनकार नहीं है, जैसे इससे इनकार नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी, जब तक आप साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें साथ ही साथ देखिए जो और लोगों और हम में दो फर्क है, बुनियादी फर्क है। जैसे मैथमेटिकली बताऊं तो अगर प्लेन में दो खतूत हमेशा मिलते हैं, एक सतह पर दो खत डाले जाए, या तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यही दो सूरत हाल है, दो खतूत या तो नहीं मिलेंगे या मिलेंगे। लेकिन थ्री डायमेंशन में ऐसा एक तीसरी बात भी है कि अगर लाइन ऊपर हो तो नीचे वालों से कभी भी नहीं मिलेगा, ना वो पैरेलल होगा ना वो इंटरसेक्ट करेगा। हमारी मिसाल ऐसी कुछ कुछ हद तक है कि जो लोग जो है वह क्या कहते हैं कि पैसे वाले लोग हैं, वो सारी चीजों को हासिल कर लेंगे। हम लोग का प्लेन डिफरेंस है, उस प्लेन डिफरेंस को मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका फायदा हम लोग उठा सकेंगे। ये प्लेन डिफरेंस है। हम सबको ये मशवरा कर देंगे कि आप जो है टेक्नोलॉजी से एराज मत कीजिए, लेकिन अपना जो है
वो जो आपके पास हासिल हो रहा है उसको मजबूत कीजिए। टीचरों को भी मैं मशवरा दूंगा कि मेंटल एबिलिटी को आप बढ़ाएं, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएं, इसको छोड़े नहीं, क्योंकि हमने जिस तरह से जो चीज को लिया है उसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। कोई भी चीज जो है ना एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलती है। आपने जिस तरीके से जो चीज सीखा है उसको उसमें अटैच करके आगे बढ़िए, इसको एकदम छोड़ नहीं दीजिए। आप कभी भी जो है ना एक कदम को दूसरा कदम आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि आप पीछे वालों को पकड़े नहीं हुए। पहले पीछे वाले पैर को आपने दबा के रखा है तब वो आगे बढ़, आपको पीछे वाले पैर को आपको दबा के रखना है तब जाकर के अगला कदम बढ़ेगा, वरना नहीं आप गिर जाएंगे। तो आपको आपको जो है ये जरूर बिल जरूर जो है अपनी पुरानी चीजों पर जो है कायम रहना है। ये मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल आपको मैंने बता दिया कि मेंटल एबिलिटी इस दौर में भी बहुत अहम है। आप मुझे कोई भी चीज फैसला करें, कोई चीज आपके पास आया आपको डायरेक्ट फैसला करना है, आपको मेंटल एबिलिटी चाहिए और सिर्फ ट्रेनिंग मैथमेटिक्स से होती है। मेंटल एबिलिटी का नर्चरिंग उसका ये जितना भी डेवलपमेंट है मैथमेटिक्स के जरिए होता है। तो मैं आखिर में जो है ना आखिर में मैं एक जो है आपको एक जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जी प्लीज प्लीज नहीं बहुत आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझा। लेकिन मैं एक मैसेज आखिर में दे देना चाहता हूँ कि वो ये तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो जायज है, गुब्बारों में उड़ो चरख पे झूलो, लेकिन एक सुखन बंद है आरिज की रहे याद, खुद को और खुदा की जात को हरगिज ना भूलो। ये हमारा हमारा सबसे अहम चीज है। इसके इसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह सब चीज में कामयाब होंगे। आपको एक और प्रिडिक्शन करके जा रहा हूं। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मुसलमानों के लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। मैं आपको मिसाल देके बताता हूं कि ये टेक्निकल हो गया, जितने भी टेक्निकल काम है उसमें मुसलमान कौम मजबूर होकर के कर रहे हैं। जैसे मोटर मैकेनिक पूरी दुनिया में आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे मोटर मैकेनिक आपको मुसलमान मिलेंगे। ये टेक्नोलॉजी भी जो है कंप्यूटर का नॉलेज अगर रहेगा ये भी टेक्निकल उसी की तरह हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। तो बहुत ज्यादा जिस वक्त टेक्नोलॉजी उरूज हो रहा था उस वक्त सारे मुसलमान थे, अब इस वक्त जो टेक्नोलॉजी का उरूज हो रहा है वो नॉन मुस्लिम है। लेकिन अभी इंशाल्लाह वक्त आएगा कि हमारे मुसलमान भी आगे बढ़ेंगे साइंटिस्ट और जो है टेक्नोलॉजी की जो इन्वेंशन है नई नई उसमें। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ राफे शेख साहब का जो हमारे प्रोग्राम के टेक्निकल डायरेक्टर हैं। नाजरीन प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अल्लाह हाफिज़।